it's introducing a software which is like further enabling us to visualize whatever we are learning actually. So visualization is always interesting than like just doing something on paper. Okay. This is something very opposite what आमतौर पर जो टीचर्स समझते हैं कि मैथमेटिक्स के बारे में या कैलकुलस के बारे में. आई हैड वेरी टॉप पोजीशंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड आई हैड अ हेल ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर इन मेकिंग पीपल एक्साइटेड अबाउट मैथमेटिक्स. एक्सट्रीम रेजिस्टेंस. And I'm glad that you realize the importance. यहाँ पे जहाँ input लिखा हुआ है ना वहाँ पे cursor ले जाएँ ज़रा. जी यहाँ पे लिखे SIN sign bracket X. You see how simple it is? Yes, cool. Huh? Have you seen a sine wave before? जी सर. What are its properties? ये periodic होती है. अच्छा ये नीचे तो calculator बना हुआ है इसको box खत्म कर दें इसका cross पे click करके ना. हाँ जी ठीक है. Okay जी. ये periodic होती है और What is so special about it? Perhaps it is the, I can say quite confidently, that it is one of the building blocks of the universe. That would be something new for me because is like is बारे में कभी किसी से discussion नहीं हुई मेरी और मैंने कुछ पढ़ा नहीं इस बारे में लेकिन के sine wave yes. इतनी important क्यों? Yes. Very, very special properties. Apart from that, it is very beautiful. It has some specific properties which made life possible in the on our Earth. In fact, so important. Sine wave and sine waves are everywhere. अच्छा आप sine से पहले अगर आप five लगा दें नहीं साइन से पहले. हाँ जी हाँ ये यू सी यू हैव इंक्रीज द एम्पलीट्यूड नाउ यू नो यहाँ पे फाइव लगाने से इसका एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो ये इस तरह की नजर आएगी. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नो. व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर या नीचे हो जाएगी मतलब उतनी ही साइज की रहेगी बट या ऊपर चली जाएगी नीचे चली जाएगी मतलब ऑन द स्केल ऑफ y y ऊपर नीचे हो जाएगी. ओह दैट इज तो फिर 5 हटा दें यहां से. नाउ ऐड 5 इनटू इट. ओह और स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दें. यस नाउ यू सी इट. Exactly. Now you have really asked a very pertinent question and I am glad that you asked because mere khayal mein ye baat nahi thi ki people can think in those lines also. Very good. I really appreciate your expectation. Thank you sir. So 5 plus sin x and agar jama kare to ye upar jati jayegi hain ji और अगर माइनस करें तो ये नीचे चली जाएगी. हाँ बिल्कुल. और अगर हम जरब दें तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. हाँ ऐसा करें नीचे 5 नीचे जहां इनपुट लिखी है वहां पे 5 साइन एक्स भी लिख दें. लेट्स हैव अ सी बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. सी दैट. और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें. आपने कोई ऐसी सॉफ्टवेयर देखी होगी जो इतनी यूजर फ्रेंडली हो कि यू जस्ट टाइप समथिंग एंड यू गेट इट?
दिस इज लाइक ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. इससे पहले मैंने मैटलैब थोड़ा यूज किया था, बट काफी टाइम पहले जब, लेकिन मैटलैब भी इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है. नहीं नहीं मैटलैब तो इज नॉट मेंट फॉर इट्स फॉर प्रोफेशनल्स. जी. पता नहीं आपको पता है, वुल्फ्राम अल्फा की तरफ से मैथमेटिका वाज वेरी फेमस, मच मोर पावरफुल देन मैटलैब. हाँ, जी, मैंने मैथमेटिका और का नाम भी सुना हुआ है, और वो जो थॉमस एंड फिनी है उसके अंदर काफी ग्राफ्स लगे हुए हैं उसके, बट कभी यूज नहीं किया. जी, जब हम पढ़ा करते थे उस वक़्त भी मैथमेटिका या पढ़ाया करते थे, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त भी मैथमेटिका वॉज अवेलेबल ऑन बिगर मशीन्स, नॉट पर्सनल कंप्यूटर तो थे नहीं. हाँ, तो उसमें ये था कि देवर दैट सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल्स. यस सर. और आप एक 8वीं जमात के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मैथमेटिका में प्रोग्राम करेंगे. हाँ, बिल्कुल, दैट दैट्स दैट राइट. बी समथिंग. अगर वो प्रोग्राम कर सकता है मैथमेटिका में 8वीं जमात में, तो मैथमेटिक्स लर्न करने की जरूरत नहीं, उसे मैथमेटिक्स पहले ही बहुत कुछ आता होगा. एग्जैक्टली, कंप्यूटेशनली स्ट्रांग होगा वो. हाँ, आपको पता नहीं, शायद ये भी मालूम है कि द लेटेस्ट बोइंग 787, विच इज़ द सॉर्ट ऑफ ए ड्रीम एयरक्राफ्ट नोन एज ड्रीम लाइनर, वॉज डिजाइन कम्प्लीटली ऑन मैथमेटिका. Oh, wow. सो नो नो मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग आमतौर पे जहाज़ों की होती थी, इन इन के वो देखेंगे उनको किसी विंड टर्बाइन के अंदर रख के या विंड टनल के अंदर रख के. तो ये तो बिल्कुल उन्होंने मैथमेटिकली डिज़ाइन किया है ऑन मैथमेटिका. सो यू सी द पावर ऑफ मैथमेटिका. वेरी इंटरेस्टिंग. बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस आल्सो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज़ कि अगर मैं आपको मैथमेटिका सिखाने की कोशिश करूँ, तो इट विल टेक अबाउट 1 month टू अराइव एट. उसका जो इसी द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो जिसे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं ना, दैट इज नॉट सो फ्रेंडली एज इन जियोजेब्रा. ऑलराइट, बिकॉज दैट इज डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स. For trained people. हाँ, for professionals who are designing an aircraft. अब उनको तो काफी कुछ आता ही होगा ना पहले से. You are right. जी, उन्हें तो terminologies का पता होगा, उन्हें programming का पता होगा. सही कह रहे हैं. पर ये जो जबरा है, now it has become a, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, it has become a, and I think you can play a very important role in popularizing calculus in Pakistan. In fact, everyone should play a role. मैंने तो अपना I'm fighting for this for the last 20 years. के MIT has now recognized GeoGebra as the number one software for learning mathematics. That must be incredible then. और उसकी खास एक और जो बात है वो ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली. के 8वीं जमात के बच्चे मेरी वर्कशॉप में, उनको मैंने जियोजेब्रा की स्क्रीन दे दी और उनसे कहा, यार तुम कुछ टाइप करके देखो, या यहाँ पर कई फिगर्स तो आप वैसे ही बना सकते हैं, ये जो आपके सामने कमांड लाइन है ना, इसके सामने कर्सर ज़रा प्लेस कीजिएगा, इसको कमांड लाइन कहते हैं, ये ऊपर 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 यहाँ पे. हाँ, ये तो है ना, सारी कमांड लाइन्स है. दिस इज़ द होल कमांड लाइंस. आप सर्कल की इक्वेशन लिखे बगैर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप 3D ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं. वंडरफुल. अच्छा, खैर वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन जो मज़े की बात है वो ये कि जियोजेब्रा इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट. Best thing about it, actually. Yeah, it is. और आपको अगर आप जियोजेब्रा की कोई भी चीज़ आप
phenomena. For example, you want to study turbulence. What is the mathematics behind turbulence? And you want to see it graphically, you just type turbulence, GeoGebra. And you'll find so many users of GeoGebra ke kisi na kisi ne wo bana ke equations ko usme graphically plot karke dala hua hoga aapke istemal ke liye. And you will get them right away. Turbulence. Now, this is turbulence ho ya koi aap first karein aap simulation of the earth rotating around the sun. Okay. Yeah, for example, ab main kya aapne kis cheez ki example aapko doon? A projectile thrown from a building and falling under the force of gravity. A planet moving around the sun because of gravity, uski differential equations aap likhkar unko graphically dekhna chahte hain. So you just type a planet moving around the sun under gravity, or wo uski jo acha wo jo jisne dali bhi hogi wo GeoGebra ke banane wale nahi hai, wo aap jaise ya mere jaise hain. So the third party software ke, aur unhone wo sara kuch jo dala hua hai na, usme ek shart hai GeoGebra ki taraf se, you cannot sell anything. Everything should be voluntarily available. All right. ये इसकी सबसे बड़ी पावर है कि मेरे ख्याल में tens of lakhs of applications and simulations and interactive applications are available on GeoGebra, and you can just click it and you will get it. Interesting. So it is very fortunate of you that. हमारे ज़माने में तो यू कैन इमेजिन हमारे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं होता था. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वी यूज अ स्लाइड रूल. ओके लेट्स डू सम प्रोसेसिंग ऑन GeoGebra. अच्छा एक और बात कि एक मतलब एक क्वेश्चन ये था कि मतलब दिस सॉफ्टवेयर लुक्स लाइक यूज करना है बहुत आसान है, बट इसको बनाने में यकीनन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत एफर्ट लगी होगी. तो ये यूजुअली मतलब इसको फ्री बना के क्यों, मतलब इतने अच्छे सॉफ्टवेयर को फ्री बना के क्यों शेयर किया गया इसको, मतलब अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपने कहा कि इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगी होगी, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे आप? क्योंकि सर देखें इसमें ये दिखने में बहुत आसान है, बट इट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स के सिंपली इक्वेशन से उसका ग्राफ बनाना और उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना. हाँ, जितना भी आपका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस सिंपल होगा ना, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा कोडिंग होगी. एग्जैक्टली उसके पीछे उतनी ही ज्यादा एफर्ट होगी. तो आपने ये जो कहा कि इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट होगी, इसको जरा थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करें. मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि यही आपकी बात को सेकंड करूंगा कि क्योंकि ये बहुत सिंपल यूज करने में है, तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें मतलब उसको इन्फर करना होता है कि यूजर क्या करना चाह रहा है, और वो इन्फर करके सॉफ्टवेयर वो चीज कर देता है जो यूजर करना चाह रहा है. यूजर हर चीज स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यूजर बहुत कम बात स्पेसिफाई कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर बहुत सी बातें अंडरस्टैंड करके और अपने कुछ शायद कुछ मॉडल्स भी लगाता हो पीछे लर्निंग के और उस बेस के. तो आपके ख्याल में इसमें कितने लोगों की टीम होगी जिन्होंने ये बनाई होगी? इट शुड बी अ मेरे ख्याल में तो 100 तो कम से कम होंगे लोग इसको बनाने में. जो देयर मस्ट बी अ कंपनी बिहाइंड इट. एग्जैक्टली. वेल यू व्हाट यू हैव सेड इज परफेक्टली इंट्यूटिव. हां बिल्कुल, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, और उसकी उसमें आपकी आपकी कोई गलती नहीं है. जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल
इंट्यूटिवली इंटेलिजेंट जवाब था, लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए, व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंपनी देन यू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स. एग्जैक्टली. देन यू हैव टू पे सैलरीज टू दोज 100 पीपल. यस. एंड इफ यू आर पेइंग सैलरीज टू दोज 100 पीपल देन यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. That's true. And if you want to design something very, very great and exciting and innovative, then you have to hire very innovative people. True. And then you have to pay much, much more. Exactly. मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि IBM can never create this software. Although IBM के जो वो हैं वो इतना high revenues हैं, ये सारा कुछ है, मगर दे कैन नॉट क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर. हाँ, इवन एप्पल कैन नॉट क्रिएट दैट सॉफ्टवेयर बिकॉज एप्पल इज अ कंपनी एंड इट इज अ प्रॉफिट बेस्ड कंपनी. दैट्स ट्रू. तो जहां भी प्रॉफिट बेस्ड कंपनीज, प्रॉफिट बेस्ड एंडेवर्स आ जाएंगे, वहां पर फ्री सॉफ्टवेयर तो बन ही नहीं सकती. Exactly. वो फ्री बनेगा भी तो वो उनके किसी और पेड चीज को मार्केट करने के लिए बनेगा. जी जी. तो ये तो कोई पागल ही बना सकता है. बिल्कुल. अच्छा, अब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि वैसे तो पागल आमतौर पे कंप्यूटर साइंस में एक्सेल कम ही कर रहे होते हैं, या कर रहे होते हैं तो हमें शायद नजर नहीं आते. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी नहीं हो सकती. हाँ जी. इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग भी नहीं हो सकते, इसलिए कि ज्यादा लोग होंगे तो दैट विल बी अ कंपनी. जी. इसका मतलब एक ही बंदा होगा. एम आई राइट? ये दरमियान वाली बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ज्यादा लोग हो सकते हैं, कि कई लोगों ने फ्री सॉफ्टवेयर बनाए हैं, मतलब एज अ कम्युनिटी जैसे कि कई फ्रेमवर्क्स हैं. जी जी. जैसे विकिपीडिया, जैसे कई फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे पाइथन है, जैसे रूबी है. थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस तो बहुत लोगों ने बनाई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर थी वो एक दो आदमियों ने बनाई थी, जिसके ऊपर उन्होंने ऐड किया सारा कुछ. दैट्स व्हाट आई एग्री. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस वाज एन एमएससी थीसिस ऑफ ए स्टूडेंट इन अ कंट्री इन यूरोप. यू कैन सी द हिस्ट्री. इट इज इक्वली एक्साइटिंग एज जियोजेब्रा. इट वाज एन एमएससी थीसिस ऑफ ए स्टूडेंट. इंटरेस्टिंग. और जब वो उसने बनाया तो फिर उसको एकदम से ख्याल आया, या उसके जो कोलीग्स थे या प्रोफेसर थे उसको ख्याल आया कि यू डिड समथिंग व्हिच नोबडी हैज डन बिफोर. एंड पता नहीं उसने पीएचडी की या नहीं की. मेरे ख्याल में तो उसने कहा मैं पीएचडी नहीं कर रहा, मैंने तो एक यू नो विकिपीडिया. जियोजेब्रा इज नाउ यूज्ड इन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन more than 100 countries, became a de facto standard. Wonderful. तो वो उसको फिर ये ख्याल आया कि मैंने तो ये कोई अजीब व गरीब चीज बना दी है. तो फिर then he thought कि मैं इसके ऊपर, जब आप बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़ बना देते हैं ना, तो फिर वो आपको donations और वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं कि जिनके through आप survive कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. जैसे Google free है ना. जी जी. उस पे अब वो और तरह से पैसे कमा लेते हैं. खान एकेडमी इज फ्री. जी. बट दे कैन अर्न इट, अर्न अ लॉट बाय अदर मींस. एग्जैक्टली. तो इसी एक वो कोई भूखा नहीं मर गया. ही मस्ट हैव अर्नड अ लॉट बाय अदर मींस, नॉट बाय सेलिंग जियोजेब्रा.
और उसके बाद वो उसको इम्प्रूव करता रहा और इस चीज पर वो अड़ा रहा कि मैंने इसको पब्लिक डोमेन में रहने देना है. वेरी नाइस. इसको मैं कहता हूं कि ये जो चीज है इससे ज्यादा बड़ा सवाब का काम क्या होगा. बिल्कुल सही बात है. वेरी नोबल. ये आप एक बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद ही मैथमेटिक्स सीख लेगा, एक टीचर बीच में आएगा ही नहीं. इनफैक्ट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा और बाकी पार्टिसिपेंट से भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको शायद पता है कि नहीं, मैं आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, आई डोंट नो मैथमेटिक्स, और ये जियोजबरा तो मुझे तो खास नहीं आता. आपने मुझे सिखाना है जियोजबरा. ठीक है सर. अगर मैं तो आई एक्सेप्ट माई डेफिशिएंसीज. वेल, हाउ ओल्ड आर यू? 25, 26? सर आई एम 36. ओके, 36. हाउ कैन यू कंपेयर अ 35-year-old यंग ब्रेन विद एन ओल्ड ब्रेन ऑफ माइन विच इज 70-year-old? मैं तो बुढ़ा होके खत्म हो गया हूँ यार, मुझसे कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो? यू शुड बी टीचिंग मी नाउ. हाँ सर, आप एनेबल करेंगे तो हम डेफिनेटली कर लेंगे. वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा रोल सिर्फ ये होगा कि मैं आपको एम्पावर कर दूं और आप फिर मुझे सिखाना शुरू करें या बाकी क्लास को भी सिखाना शुरू करें और बाकी सब लोग भी बारी बारी के, यार ये ऐसे हो सकता है, ये आपको नहीं पता अशरफ, डॉक्टर अशरफ, जो मर्जी कहें, सर ना कहिएगा मुझे, तो आप कहें कि आपको तो आता ही कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं जियोजबरा के इनोवेटिव यूजेस कैसे हैं. एंड आई हैव सीन कि जितना कोई यंगर बच्चा होता है वो उतना ही आसानी के साथ और जल्दी से और ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से वो चीज़ हासिल कर सकता है, बना सकता है, जो मैं सोच सोच के, ज़ाहिर है बुढ़ा इंसान होके सठिया ही जाता है ना. सर, एक्सपीरियंस का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. यार डेड वुड होता है सारा एक्सपीरियंस, तुमने देखा होगा ये सारे जितने बुड्ढे टीचर लगे हुए हैं, बस वो अपने पुराने नोट्स लेके बैठे रहते हैं. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एक्सपीरियंस, बट आप सही कह रहे हैं, बहुत ये चीज ज्यादा प्रीवेलेंट है जो आपने बताई है, बट देयर आर सम के वो एक बात कहते हैं और उससे इतनी ज्यादा चीजें, इतने सवाल जहन में आ जाते हैं, इतनी ज्यादा काम करने को मिल जाते हैं कि उससे फिर इंसान सीखता चला जाता है आगे. सर, उनको पता नहीं होगा, उन्होंने जो बात कह दी तुमने उसके मतलब पता नहीं क्या निकाल लिए. ठीक है सर. अच्छा, ऑल राइट नाउ, सो लेट्स, तो मेरा कहने का मतलब ये था सारा कुछ कि यू आर गोइंग टू एक्सेल इन जियोजबरा, जैसे साइकिल चलानी होती है ना. जी. अब मैं आपको लेक्चर देना शुरू कर दूं कि साइकिल कैसे चलानी है तो, और साइकिल पे बिठाऊं ना आपको. जी. आप साइकिल नहीं चला सकते. ऐसे ही है, आपको साइकिल पे बैठना पड़ेगा, साइकिल चलानी पड़ेगी, गिरना पड़ेगा, थोड़ा एक दो दफा जरूर गिरना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे है. You have to take the risk and then you will become a cyclist. और फिर आपको पता भी नहीं होगा कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं, आप अनकॉन्शियसली साइकिल चला रहे होंगे. That's right. एक प्रॉब्लम जो हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, जो आपको मेरी किताब मिल गई है ना. जी. तो आपने, have you scanned the book? मैंने भी सिर्फ डिजिटल कॉपी डाउनलोड की है, जो फर्स्ट 193 पेजेस आपने भेजे हैं. जी. तो कुछ उसका आपको, हैव यू गॉटन अ फील ऑफ द बुक, स्मेल ऑफ द बुक, टेस्ट ऑफ द बुक? नॉट येट. अच्छा, अभी कोई पेज नहीं खोल के देखा आपने? हाँ. नहीं सर. ओके, यू विल फाइंड इट अ वेरी डिफरेंट बुक. I am frankly बात कर रहा हूँ आपसे, consider me a friend, although I am 70-year-old, but still I can be considered as a friend, not as a masiya or not as a
teacher or not as a ustad. I hate these terms. Jab tak friendly atmosphere na ho, jab tak padhai nahi ho sakti. Sure, sir. So, adab shadab ko chhod dein ab aap. Ji, theek hai. And start doing GeoGebra yourself, all right? You can understand it, you can do it, and you should teach it to others also. All right. अच्छा आप जरा कमांड लाइन पे जाएं आप जी जो पहला दूसरा तीसरा सेकंड लास्ट पे चले जाएं दिस वन क्लिक ये नीचे ले जाएं आप नहीं स्लाइडर सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर स्लाइडर यस क्लिक इट अब यहां पे ये तो क्लिक कर दिए अब आपने कर्सर को बीच जहां रखा हुआ है ना कर्सर वहीं क्लिक कर दें दोबारा ओके तो हियर वी आर वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्लाइडर यू नो व्हाट्स अ स्लाइडर अभी पता चल जाएगा आपको स्लाइडर क्या होता है इसको ओके कर दें सो यू हैव क्रिएटेड अ स्लाइडर ओके ओके अच्छा आप क्रिएट अनदर स्लाइडर दोबारा क्लिक कर दें आप सिर्फ क्लिक कर दें नहीं अपने को ही क्लिक कर दें हाँ यहाँ पर बी का ना नो यू आर टू फास्ट ये नहीं ये अब तीसरा स्लाइडर बन जाएगा इसको कैंसिल कर दें और अब आप जाएं राइट टॉप पे जो पीछे का एरो बना हुआ है ना पीछे का एरो राइट ये अब ये बैक कमांड है इसकी ठीक है ना जी नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन हाँ अब ये बी को चेंज करके ओमेगा कर दें ओमेगा क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो बी चेंज हाँ इसको क्लिक करेंगे ना जब आप फिर आप हाँ ओमेगा लिख दें डब्ल्यू लिख दें डब्ल्यू ऑल राइट और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जीरो कर दें मिनिमम जीरो और ओके कर दें ओके नाउ यू हैव क्रिएटेड अनदर स्लाइडर ठीक है जी ओके नाउ राइट डाउन नीचे इनपुट के ऊपर ए और स्पेस डालें थोड़ी सी साइन एस आई एन ब्रैकेट डब्ल्यू टी डब्ल्यू उसके बाद स्पेस फिर टी ओके नाउ ये जो आपका जो सबसे ऊपर जाएं जहां एफ एक्स फाइव प्लस साइन एक्स लिखा था ना आपने ग्रीन नहीं ये बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर कर्सर के नीचे कमांड लाइन यहाँ पे कर्सर कहाँ पे कर्सर यहाँ पे क्लिक कर दें अब वो ना ये पहले कर्सर को क्लिक करना था आपको इसको कैंसिल कर दें ऑलराइट कर्सर को क्लिक हाँ अब आपने उसको तो क्लिक कर ही दिया ठीक है अब जी को भी क्लिक कर दें और अब आपने हाँ ये बस रह गए अब ओके वेरी गुड मुझे ये बताएं कि अगर मैं ए के स्लाइडर को मूव करूं तो क्या होगा अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड बढ़े हाँ जी एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है मतलब ये जो इसका जो कर्व है ये मतलब ये बड़ा होता जाएगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जी शिफ्ट होता जाएगा जी मतलब जमा इसमें कोई चीज जमा होगी नहीं नहीं ये ऊंचा होता चला जाएगा मतलब ये यहीं पे रहेगी ओवरऑल
और ये इस तरह से इसके जो क्या चीज वहीं पे रहेगी, मतलब ये वेव ओवरऑल इसका सेंटर इसी जगह पे रहेगा, बट सेंटर कौन सा है? सेंटर इसका ये जो लाइन ना ओरिजिन से देखें जी जी, और मतलब ये ओरिजिन पे ही रहेगी, मतलब सेंटर्ड ओरिजिन पे रहेगी। अच्छा, ये ओरिजिन पे रहेगा और उसके बाद जो दूसरी क्रॉसिंग है वो भी वहीं पे रहेगी। वो भी वहीं पे रहेगी? नहीं, क्रॉसिंग्स नैरो होती जाएंगी। नैरो होती जाएंगी जी। थिंक अबाउट इट अगेन। I think वो वहीं पे रहेंगे। Are you sure? You change your statement. If you can change once, you can change it again. Probability तो यही कहती है, लेकिन मैंने इसको फिर सोचा है तो मुझे लग रहा है कि वो वहीं पे रहेगी। Probabilistic नहीं, हम deterministically बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें ना, सबसे मजे की बात ये है जियो जबरा में कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या होगा, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ के क्या होगा। बस सीधी सी बात है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। तो कर्सर को उसके ये जो काला पॉइंट है ना, ए के ऊपर ले जाएं और थोड़ा सा इसको मूव करें, ये देखें क्या हो रहा है। आपने कभी इस तरह से देखा था साइन वेव को? नेवर, कभी डॉक्टर साहब कभी नहीं देखा। लेकिन कैसी मजे की बात है, डोंट कॉल मी साहब प्लीज, आई एम नॉट अ साहब। तो साहब तो यार कोई पुलिस अफसर होता है उसको साहब कहते हैं, या कोई फौजी अफसर होता है उसको साहब कहते हैं। आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, नॉट इवन अ टीचर। ये अब आप खुद ही यू कैन प्ले विद इट। नाउ यू आर प्लेइंग इट। हाँ, अच्छा इसको नेगेटिव। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताएं जी, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव भी जा सकता है ना ये? जी जी बिल्कुल। तो फिर ये वेवफॉर्म कैसे तब्दील होगी? अगर इसको नेगेटिव लेके जाएंगे तो जो अभी हमें इसको बंद कर दें पहले, ये क्रॉस इसका है यहाँ पे। हाँ, इसको बंद कर दें। जो इसके अभी जो चीज़ें इसके जो वाला पार्ट इसका ऊपर है एक्स एक्सिस से, वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे ऊपर चला जाएगा। You are using non-mathematical language, but it's perfectly all right. करके देखें, check if you are right or wrong, मुझे नहीं पता। ये देखें, बिल्कुल validate हो रही है बात। देखें, ये लर्निंग सारी जो होती है ना, असल में वो जो हमारा क्लासरूम पैराडाइम है ना जी जी, जिसमें आप जुम्मे का खुतबा सुन रहे होते हैं, बिल्कुल आम तौर पे जुम्मे का खुतबा के वक्त लोग सुनते पढ़ रहे होते हैं, वो उनको पता होता है कि इसमें कोई खास बात तो होगी नहीं। हाँ जी जी, ऐसे ही है। आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं? जी। तो आप बताएं, पिछले 10-15 सालों से पढ़ रहे होंगे या ज्यादा अरसे से, कोई ऐसी बात जो आप याद रह गई हो जुम्मे के खुतबे में? जो रह गई हो? हाँ, जो याद रह गई हो, जो आपने पल्ले बांध ली हो। कई हैं, काफी सारी हैं। अच्छा है, माशाल्लाह। चलें, ये तो आपको यहाँ पर अब आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, कैसे? ये सबसे अच्छी बात है, इसको अब पॉजिटिव कर दें। ओके सर, पॉजिटिव। और बढ़ाएं जरा, और बढ़ाएं जितना मर्जी इसको आप। ये इसके जो ये जो आपका स्लाइडर है, इसकी लिमिट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। सही, ये -5 से +5 था ना, इसको भी आप चेंज कर सकते चाहें तो। हाँ ठीक है।